पूरा ये है वो पूरा बजे बज रहा है उधर, तो क्या बताया हम। तो गाइस इसको बोलते हैं जलेबी घाटी। अच्छा बम है जलेबी। कहाँ जाओगे, क्या लिखोगे, क्या पढ़ोगे? बोल बम। तो गाइस जिस बारे के जिस पानी के बारे में बोल रहा था, देखिए अगर थके मांदे और हरासमेंट लगता हो तो आपका सुविधा नहाने धोने के लिए। देखिए पानी से नहाने के लिए शर्मा रहे थे, इतना गंदा पानी में कैसे नहाए। सो पानी ये वाला है, फ्री हो गया। अरे फ्री हो गया, फ्री बोल रहा हूँ, फ्री हो गया। और सब बैठ गया, खासियत है गंगा पानी में। वहाँ उठा तो कैसे होता है, दिख रहा था उठाएगा फरीद। तो अब समय हो चुका है, भाई लोग रेस्ट कर चुके हैं। प्रदीप भैया की जय हो। बम 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 बम, उठाइए उठाइए था उठाइए, जोर से बोलिए। ये हुआ दंडवत, दंडवत का था उसमें छोड़ दिए थे। लक्ष्मी उसमें नहीं रहता, इसमें रहता है। अच्छा उज्जर क्रिया हो ना। ओहो, जैसे कि गाइस अभी हम लोग यहाँ इस जगह हैं वैष्णवी मेला 2024 के हिसाब से श्रावण मेला में, और 50 किलोमीटर दूरी तय करके जिन भाई लोगों के साथ मैं आया हूँ यहाँ पर खड़े हैं दनादन। ये सुबह कल 8 बजे निकले थे और आज 8 कितना बज गया, मतलब 8-9 बज रहा है। भैया आइए रख के आइए। मैडम हाँ अपना तकलीफ वगैरह बताइए भाई, कुछ तो सॉल्व नहीं होगा, हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है, लेकिन अपना अनुभव ही बताए कैसा लग रहा है चल के। ऐसा कुछ पिछले साल आए थे ना, पिछले साल आए थे ना, थोड़ा सा थकान लग रहा है, पिछले साल नहीं आया है, इस बार फर्स्ट ही बार आए हैं। अच्छा फर्स्ट बार हवा हाँ? कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत मजे मजे जा रहे हैं। भोले बाबा की कृपा है। हाँ यहाँ से 60 किलोमीटर शायद है, यहाँ से 60 किलोमीटर ना हो तो आप लोग का 60 किलोमीटर पड़ेगा कि नजदीक पड़ेगा, मतलब शॉर्ट कट पड़ेगा, कम पड़ेगा, उतना ही पड़ता हो, 60 किलोमीटर पड़ता हो। अच्छा तो देख रहे हैं सब लोग मजे में जा रहे हैं, मस्त मौला एकदम, पैदल यात्री इंजॉय के साथ अपने श्रद्धा भक्त बोलना चाहिए, दिल खुश हो जाता है यार देख के। पूरा 100-100 किलोमीटर पूरा ऐसा ही भीड़ दिखाई देगा आपको। कहाँ गया वो लोग, आ रहा है ना। तो अभी क्या करना, रेस्ट करना होगी, थोड़ा मोड़ा रेस्ट करेंगे। अच्छा अच्छा गाड़ी वाड़ी चाहिए, कुछ सामान चाहिए गाड़ी से, चाहिए ना, तो चलना पड़ेगा कि इधर गाड़ी तो खड़ा नहीं करने देता है किनारे, जगह नहीं, अगर जगह रहता तो कर दे। बस थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा चलेंगे। हाँ थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। चलिए पंखा उखा लगाया गया है आप ही लोग का व्यवस्था में। रात को सोए थे कितना बजे? 8-9 बजे। फिर सुबह कब चले, सुबह कितना बजे चले थे? 5 बजे चले थे। अच्छा पहुँचना है ना 5 बजे। और सबसे छोटे भाई यही है और बड़े भैया सबसे कैसा लग रहा है, पसीना चूरा है या फिर मेहनत का फल, क्या है क्या मजा है? जी आप जिसका जो विचार, आपका जो लक्ष्य पूरा हो, मेरा भी यही कामना है। अब किधर गया वो? अरे हो प्रदीप भैया कहाँ भाग गए। चलिए रेस्ट कीजिए, आइए ना। अरे पंखा तरफ चलिए महाराज, तो
तो गाइस मजा आ रहा है मुझको, लेकिन जो चल रहे हैं उनको तो भाई मजा और सजा दोनों है। तो आप लोगों को इसी तरह से होटल मिलेगा पूरा 100 किलोमीटर तक दायां बायां जबरदस्त। आप पहन लीजिए आगे कहाँ तक घुमाएगा भाई भी ना आगे हो हम लोग आगे तक लागल होगा। तो गाइस देख रहे हैं ये बांस का बनाया हुआ बम्बू का अच्छा खासा मस्त बनाया गया ये पंडाल, बोले तो होटल ही बोलिए रेस्टोरेंट हम लोगों को बोलना चाहिए। और पंखा का सुविधा और पूरा बेड का सुविधा उधर है, तो एक बेड अगर लीजिएगा तो 100 रुपये लेता है और एक तख्ता बोलते हैं, एक तकिया लीजिएगा तो 30 रुपया, तो ऐसे चलता है। अगर पूरा बेड आपको चाहिए तो 100 रुपया में आयल फैल छोड़ सकते हैं पूरा आर फाड़ के टांग पसार के, और ऐसे सटा सटा सोएंगे तो 30 रुपया एक व्यक्ति पर लेता है। तो देख रहे हैं गाइस, तो ऐसा ऐसा लोकेशन ऐसा ऐसा होटल आप लोगों को बहुत मिलेगा पूरा रास्ते भर, क्योंकि इधर कांवरिया लोग जो है सफ़र कर रहे हैं शायद दोस्तों, तो थके मंदे रहते हैं तो कोई भी होटल में आराम से फटाक से घूम के पंखा के नीचे खाएँगे पियेंगे सोएंगे रेस्ट करेंगे उसके बाद फिर चलते हैं। ये हमारा ग्रुप भाई है, हमारे भाई लोग मिला था कुछ थोड़ा सा जलपान चल रहा है यहाँ पर, और जलपान में ये होम मेड है घर से बनाया हुआ। ये शायद कांवरिया भाई लोग चल रहे हैं गाइस, ये सब चालू है, चालू है जनरेटर चालू है, बोलिए क्या कहानी है बोलिए। हाँ तो गाइस अभी हम जिलेबिया घाट आ चुके हैं, यहाँ देखिए ये जिलेबिया घाट है, ये तो होटल है घाट उधर है गाइस, आगे मिलेगा आपको इस साइड पे यहाँ पे इधर दीदी लोग है आगे निकल लो ना। ये हमारे ग्रुप के भाइयों लोग हैं बम लोग हैं, रेस्ट कर रहे हैं थके मांदे हैं पसीना छू रहा है, सुबह 5 बजे निकले थे और 9 बज गया 5:45, 4 घंटा चले हैं यानी कल 8 बजे से आज दूसरा दिन हुआ, तो यानी कि बोले तो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर बाकी है कार, 50 किलोमीटर आधा चल दिए हम, आधा चल दिए ना, आधा से पार कर दिए, तो कल पहुंचेगा ना कल। और सबसे बड़ा आदमी है इसका अनुभव पूछ लेते हैं, सबसे बड़ा क्या है बड़े भाई मोछेला बाबा कुछ अनुभव बताइए रंग में। हाँ पी के चल रहा, हाँ चलिए कोई बात नहीं, अच्छा जड़ी बूटी बढ़िया है बढ़िया है। तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका और एक नए व्लॉग में गाइस। इस वक्त मैं अभी बाबा रामदेव हूँ, सॉरी यार बाबा रामदेव, ये कुछ सामान लेने आया था और फकीर बन गया हूँ गाइस, मैं बिल्कुल यहाँ पर अकेला महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये गंगा घाटी से, अरे यार सुल्तान घाटी से सामान सुल्तान घाटी से चलकर 50 किलोमीटर दूरी है जलेबिया घाटी के पास, मैं अभी इस वक्त ऐसी मंडरा रहा हूँ अकेले, पता नहीं इधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को क्योंकि काला चश्मा पहना हूँ बेबी ढोल बजा के। और ये है गाइस धूप का सीज़न, सावन का सीज़न, सो मैं गाड़ी पे गया था सामान को लेने के लिए, तो मेरे भाई लोग आ चुके हैं पैदल यात्रा करके, कांवरिया भाई लोग 50 किलोमीटर दूरी तय करके, कल निकले थे 8 बजे सुबह और अभी 8 बज रहा है 8:30 लगभग, तो वो लोग से मैं मुलाकात किया, तो गाड़ी में कुछ सामान था उसको लेने के लिए भेजे थे दोस्तों, तो मैं ये कांधे पर लेके चल रहा हूँ। और अभी उन लोगों के साथ कम से कम 0.5 किलोमीटर फिर चलूँगा मैं, साथ में ये पहाड़ चढ़ना है थोड़ा सा, उसके बाद फिर मेरे को पैदल आना है। ये गाइस देखिए ऐसा ऐसा गाड़ी यहाँ पर दिखाई देते हैं, पता नहीं बस भाई बस कान में पहराव, तो देख रहे हैं ये पूरा टर्निंग है इसको बोलते हैं जलेबिया मोड़, और आप लोगों को हर चीज़ की सुविधा मिलेगी यहाँ पर देखने के लिए, मीन्स कांवरिया लोगों को सारा चीज़ का व्यवस्था, बस पैसा आपको पे करना है और हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा अच्छे अच्छे चीज़। Thank you.
ये देखिए जलेबिया घाटी, सॉरी जलेबिया मोड़ इसको बोलते हैं, और मेरे दोस्त लोग अभी इस साइड हैं इधर, और इधर इसी रूट में मेरे को जाना है पैदल उन लोगों के साथ, और देखते हैं दोस्तों। अरे यार तो कॉपीराइट आ जाएगा, पूरा बाजा बज रहा है इसे। तो गाइस जलेबिया घाट आ चुके हैं, यहाँ से अब चल दिए हैं, बाकी आगे के सीन आगे दिखाएंगे, आप लोग बने रहिए। तो पूरा ये है, वो पूरा बजे बज रहा है उधर, तो क्या बताया हुआ। तो गाइस इसको बोलते हैं जलेबिया घाटी। अच्छा बम है जलेबी मोड़। अच्छा घाटी मोड़ भी है, घाट भी है, और देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा खवरिया भाई लोग मेहनत करके पूरा घाटी चढ़ रहे हैं, और मैं आगे तक बता रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। और मौसम भी बहुत खूबसूरत है गाइस, मस्त एकदम टनाटन छाया, और रास्ता आपको दिखा रहा हूँ मस्त। इसमें बालू डाला गया है, कहीं कहीं बालू है कहीं कुछ है, लेकिन मस्त है। और हर होटल पर आपको पानी वगैरह ढलाने के लिए, शरीर को भिगाने के लिए मिलेगा, और रेस्ट कर सकते हैं पंखाओं का। आपको 100 किलोमीटर ऐसे ही मिलेगा, घाटी हो चाहे पाखी हो चाहे बोलबम के पहाड़ हो, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस जैसा देश हो वैसा भेज, तो मजा आ रहा है ड्रेस व्रेस पहन के वीडियो बनाने में। आप लोग आनंद ले रहे हैं, पता नहीं यार ले रहे हैं कि नहीं इस वीडियो को देख करके। ये हमारा ग्रुप है गढ़वा पार्टी, आगे वाला पीछे वाला, क्या बोलोगे, क्या लिखोगे, क्या पढ़ोगे, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, जोर से बोलो बोल बम, भैया बम साहेबगंज बम बम पंचर बम बोल बम। तो गाइस जिस बारे के जिस पानी के बारे में बोल रहा था, देखिए अगर थके मांदे और हरासमेंट लगता हो तो आपका सुविधा नहाने धोने के लिए देखिए पानी झरना हर होटल में से मिलेगा, दो चार होटल के बाद, दो चार होटल के बाद ऐसे। और ये पूरा देख रहे हैं चलते फिरते, इधर पूरा होटल में रेस्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं। हाँ और घाटी तो नहीं है, अब तो घाटी नहीं है कि अच्छा, और सुइया पहाड़ नहीं आ गई, सुइया पहाड़ 7 किलोमीटर चौबीस घंटा रात के दिन चलते मिलेगा आपको, है ना। तो गए सब ढलान की ओर पहुंच चुके हैं, और भाई लोग को मैं यहीं से विदा करूंगा, और 30 किलोमीटर मेरे को राउंड होके जाना पड़ेगा उधर हाईवे में, हाईवे तरफ जाना पड़ेगा। यस बोल बम जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, क्या बोलोगे, कहाँ जाओगे, क्या लिखोगे, क्या पढ़ोगे, बोल बम बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, एक दो तीन चार बोल बम, 4 किलो में 4 धाम बोल बम, भोले बाबा पत्थर पे, भोले बाबा पत्थर पे, ये 4 किलोमीटर एक बोल बम बोल बम। तो गाइस मौसम के हिसाब से इस पहाड़ को इसलिए जलेबिया मोड़ बोलते हैं क्योंकि ये घाट पड़ता है, और जिस तरह जलेबी टेढ़ा मेढ़ा रहता है गाइस, उसी तरह ये घाट भी टेढ़ा मेढ़ा है। और देख रहे हैं पार्किंग का एरिया बहुत अच्छा खूबसूरत है पहाड़ के जस्ट बगल में, और उधर से कांवरिया लोग आ रहे हैं, वो रास्ता झाड़ी इसके सामने, उसके मतलब अंदर में रास्ता है गाइस, और मेन रोड भी है, पार्किंग का अच्छा खासा ये जगह भी है, और कांवरिया लोग देखिए इधर आ रहे हैं, और आपको मिलेगा टर्निंग पूरा जलेबी टाइप का इधर से ये घाट, और इधर से चढ़ के गाइस इस साइड, तो मुझे जाना है इस साइड, और मेरी पार्क मेरी गाड़ी इस साइड पार्क किया हूँ मैं रास्ता किनारे, अब यहाँ से मैं निकलूँगा। तो देख रहे हैं क्या मौसम और क्या माहौल और क्या स्थिति और क्या लोकेशन है दोस्तों, पहाड़ किनारे जबरदस्त खूबसूरत,
देखिए जो सफ़ेद गाड़ी पार हुई वो मेन रोड है और इसको बोलते हैं जलेबिया मोड़। फिलहाल सुल्तान घाटी जो सॉरी सुल्तानगंज से जो बिहार में पड़ता है और क्या गंगा घाटी वहाँ से जल उठा करके कम से कम 50 किलोमीटर दूरी पर ये पड़ता है और 60 किलोमीटर यहाँ से बाबा धाम पड़ता है। तो यात्री जो कांवरिया लोग हैं वो लोग अपने पथ पर लगे हुए हैं और दिन रात चलते रहते हैं और रेस्ट करने का मन करता है तो करते हैं। वो देख रहे हैं कितना खूबसूरत गाइस, कितना खूबसूरत लोकेशन है, लोकेशन का मज़ा लीजिए आप लोग, मस्त पे पों। तो इधर सवारी बस भी चलती है कैलाश पत्ती। Oh,